Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. Delhi. नाम सुनते काफ़ी सारी चीज़ें माइंड में आ जाती है, जैसे यहाँ का ट्रैफिक जो काफ़ी मशहूर है, और दूसरा यहाँ की मेट्रो, और तीसरी चीज़ यहाँ की मार्केट, और चौथी यहाँ का मोन्यूमेंट्स। इतने ज़्यादा हैं यहाँ के, बहुत ज़्यादा है दिल्ली के अंदर। लेकिन आपने कभी सोचा है दिल्ली जैसे शहर के अंदर अगर आपको ग्रीनरी देखने को मिल जाए, और वो भी काफ़ी बड़े लैंड्स में, तो आपको कैसा लगेगा? और वहाँ का जो व्यू है पूरा सिनेमेटिक हो तो शायद ऐसी जगह हो, है ना। बट मैं आज आपको लेके जाने वाला हूँ ऐसी ही एक जगह पे जो दिल्ली में है, थोड़ा सा आउटर है, बट ये है कि आपका ना दिल मस्त हो जाएगा। इतनी शांति और सनसेट वहाँ का देख लोगे ना आप, बहुत बढ़िया नज़ारा देखने को मिलेगा। तो ऐसी लोकेशन पे आज मैं जाने वाला हूँ, और वहाँ का जो नज़ारा होगा ना वो देखने लायक है। तो अभी फटाफट चलते हैं और दिखाता हूँ वहाँ का कैसा व्यू है। बाकी बने रहना इस वीडियो के लास्ट तक। ओके गाइस, तो भाई आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और अभी जो टाइम हुआ है वो 5:50 हुए हैं, और हमने अपनी राइड स्टार्ट कर दी। और यहाँ से ही आप ग्रीनरी देख रहे होंगे, बहुत बढ़िया है वहाँ का व्यू। भाई यहाँ शायद कोई एक्सीडेंट हो गया है लग रहा है, तभी चीज कर। आप सबसे मैं ये रिकमेंड करूँगा कि भाई फेस्टिवल को फेस्टिवल की तरह ही मनाएं, नशा वगैरह ना करें, क्योंकि भाई नुकसान आप ही का है। मैं जब भी हिमाचल जाता हूँ मेरे को ग्रीनरी दिखती है तो बढ़िया लगता है, लेकिन वहाँ पे क्या लैंड्स नहीं है लंबी लंबी, बट वो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। दूर तक आपको अभी जो फसल है वो गेहूँ की है, तो दूर तक आपको गेहूँ की फसल ही दिखेगी, और वो भी बहुत बढ़िया व्यू के साथ। सिनेमैटिक व्यूज होंगे वहाँ पे पूरे, और बहुत अल्टीमेट होने वाला है यार। और सामने का व्यू आप देखो यार, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा। और अगर मैं आपको बताऊँ ये जो लोकेशन है ना, इस लोकेशन पे नीलगाय बोलते हैं उनको, और रोंज वगैरह बोलते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। तो रात को अगर आते हैं यहाँ पे तो भाई केसेस ज़्यादा होते हैं कि भैया एक्सीडेंट होने के, क्योंकि वो रोड क्रॉस के इधर कर जाते हैं इधर आते हैं, तो इस तरीके से चलता रहता है यहाँ पे शेड्यूल उनका। तो डे में भी देखने को मिलती है, लेकिन डे में उतनी नहीं देखने को मिलती जितनी रात को देखने को मिलती है यहाँ पे। और भाई बंदर तो यहाँ पे बहुत है, क्योंकि एक बार ऐसे ही मैं वापस ड्यूटी पे जा रहा था, ये देखो ड्यूटी पे जा रहा था, तो भाई एक बच्चे का ना एक्सीडेंट हो रखा था यहाँ पे, और वहाँ पे काफ़ी सारे बंदर थे। मैं चाह रहा था उनको फैट में करने के लिए, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं बनी, क्योंकि बंदर इतने ज़्यादा थे, अगर मैं रुकता वहाँ पे तो वो शायद मेरे को काट लेते, हिम्मत नहीं बनी। और भाई यहाँ का व्यू चेक करो यार, क्या गजब है, बहुत बढ़िया भाई। ये चेक करो भाई, इतने सारे फ्लावर है बीच में, और लेफ्ट साइड को ग्रीनरी, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा। लो भाई जी आ गए हम उस लोकेशन पे, चेक दिस आउट, बहुत बढ़िया लोकेशन है, बहुत बढ़िया। अभी सनसेट थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट अपन वेट कर लेगा थोड़ा सा। यहाँ का व्यू यार बहुत अल्टीमेट होता है, देखने लायक है। बाकी यहाँ से यू टर्न ले लेता हूँ। भाई एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का, ये देखो भाई पूरी गाड़ी ना डैमेज हो गई है, गजब का एक्सीडेंट हुआ है भाई। चेक दिस आउट भाई साहब, क्या नजारा है यहाँ का, बहुत बढ़िया लोकेशन है ये, बहुत बढ़िया। सामने देखो सूखे सूखे पेड़ हैं, और दूर तक आपको ना पूरा एक फ्लैट सरफेस नज़र आता है। थोड़ा सा आगे चल के थोड़ा सा वो है उधर पेड़ वगैरह,
बाकी ये लोकेशन इतनी बेस्ट है, बहुत अल्टीमेट लगती है। बाकी हम थोड़ी देर यहाँ पे रुकेंगे और उसके बाद में जब तक ये सनसेट होता है हम यहाँ पे सिनेमेटिक शॉट्स लेते हैं। बहुत अल्टीमेट है, थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे का व्यू दिखाता हूँ कैसा है यहाँ पे। यहाँ से जो आ रहा है वो भी बहुत बेस्ट है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं और वहाँ का देखते हैं अगर इससे बेस्ट मिल जाता, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे। पहले मैं काफ़ी बार मतलब यहाँ से गुजरा हुआ हूँ तो मैंने ना सनसेट यहाँ पे देखा है, तो जिस हिसाब की यहाँ पे सनसेट होती है ना वो दिल्ली के अंदर शायद ही कहीं होती है। और भाई व्यू चेक करो यार यहाँ पे, क्या अल्टीमेट नज़ारा है। सो भाई यहाँ की जो लोकेशन है ना वो वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है दिल्ली की अभी तक की। बाकी ये है कि मैं और डिस्कवर करता भी रहूँगा, पैसा वसूल है भाई। वहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा है वो भी, और साथ ही साथ यहाँ का जो व्यू है भाई देखने लायक है। सो भाई बाइक अपन ने पार कर दिया यहाँ पे और अभी सिनेमेटिक शॉट्स लेते हैं। सनसेट होने वाला है, अभी थोड़ा सा और टाइम बचा हुआ है, सनसेट का वेट करते हैं। और थोड़ा सा नीचे आता है उसके बाद यहाँ का जो व्यू होगा ना एकदम चेंज हो जाना है, होने वाला है, क्योंकि यहाँ जैसे जैसे लाइट डाउन होगी, जैसे जैसे सूरज नीचे जाएंगे उसके बाद तो यहाँ पे और रेडनेस। और भाई बाकी फटाफट है ना कुछ शॉट्स लेता हूँ मैं आके, और इंजॉय करो आप शॉट्स को। लेट्स गो भाई, चलते हैं अब यहाँ से इस लोकेशन से। बाकी स्ट्रीट लाइट जल चुकी है, बस अभी चलने की बारी। बाकी घर जाते जाते अंधेरा हो ही जाएगा। फाइनली घर पे आ गया हूँ और अभी का जो काम है आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं और व्लॉग अपलोड कर रहे हैं। बाकी ये व्लॉग आपको कैसा लगा और वहाँ की जो लोकेशन थी वो कैसी लगी, सिनेमैटिक व्यू कैसे लगे, ये सारी चीज़ें और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा और कौन सा बुरा। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय श्री राम।